है कि अगर वो ना हो सके तो बेचारा और बेचारी कहा जा रहा है। नौजवानों एक बात मेरी याद रखो, आग और बारूद कितने भी अच्छे दोस्त रहो साथ नहीं रह सकते, लेकिन साथ हुए तो क्या होता, धमाका ही होता। नहीं 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 वो अच्छा रिलेशन है, मैं अच्छी नज़रों से देखता, बहन जैसी समझता, ऐसा समझता, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सब जाने दो। आग और बारूद कभी भी कितने भी अच्छे दोस्त बनो साथ आए तो धमाका ही होता, सिर्फ याद रख लो, याद रख लो। एक किसान अदना काश्तकार खेती करने वाला जानता है, वो जब खेत जोतता है ना तो एक गाय और एक बैल नहीं लगाता, उसको मालूम ये दोनों लगेंगे तो बैलेंस नहीं होता सिस्टम, उतना उसको भी मालूम है कि एक मुजक्कर और एक मोनस एक हल को नहीं चला सकते, वहां भी प्रॉब्लम होता, बैल गाय की तरफ ही जाएंगे, इसलिए वो बोलता दोनों बैल होना चाहिए। तो इतनी अकल तो इंसान होने के नाते हमको होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और जो नौजवान बोलते नहीं 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 फैज भाई बहुत ज़्यादा बोल दे रहे और फलाएं फलाएं, मैं आपको कहता हूँ अगर आप पसंद करते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड हो तो मैं कहता हूँ अपनी बहन को भी इजाज़त दे दो उसका भी बॉयफ्रेंड हो, बस इतना ही कर लो, बस मामला खत्म, इशू निपट लेते ना फिर। मैं चाहता हूँ कोई मुस्लिम लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बने तो मैं भी अपनी बहन को कहूँ तू भी बॉयफ्रेंड बना ले भैया जा, हाँ जान ले लूँगा कोई मेरी बहन की तरफ देखा तो, तू दूसरों की बहन की तरफ देखे कुछ नहीं और तेरी बहन की तरफ कोई देखो जान ले लेंगे। वाह भाई वाह, क्या उसूल, देखो उसूल भी कुछ होते हैं यार। ये कौन सा उसूल है कि मैं तुम्हारी दुकान से आऊँगा तो बगैर पैसों के खरीदूंगा, तुम मेरी दुकान पर आए तो खरीद के ले जाना। ओह जब तुम उसकी दुकान से फ्री उठाते हो तो वो भी तुम्हारी दुकान से फ्री उठाएंगा। तो गैरत जगाओ, गैरत जगाओ, इंशाल्लाह जैसे ही मसला हल हो जाएंगे। इसी तरह देखिए बेपरदगी खास तौर